व्लॉग करना है, मुझे व्लॉग करना है। भैया जी, अभी अभी हम ना पीयू के मेन कैंपस पे आ गए हैं, गेट पे हैं। अभी ये पंजाब यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है, ये यहाँ से गेट है, अभी जा रहे हैं हम अंदर। तो भैया जी, अभी अभी हम ना पंजाब यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में एंट्री कर चुके हैं, बाकी अभी चल रहे हैं आगे, दिखाते हैं क्या सीन। अभी चल रहे हैं मेन कैंपस में, काफ़ी मस्त कैंपस है यहाँ पे। अभी अभी हम ना BH2 के पास खड़े हुए हैं, ये बॉयज हॉस्टल 2 है। ये काफी अलग नक्शे से बने हुए हॉस्टल हैं, UIT से एकदम अलग। हाँ तो भाई, अभी अभी मैं ना BH2 पंजाब यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस BH2 में बैठा हूँ। काफी सही रूम है यहाँ पर भी, काफी सही है। इधर बॉल्कनी भी है, काफ़ी सही है यहाँ पे। ये काफ़ी ठीक ठाक यहाँ पे व्यू है, काफ़ी सही रूम है यहाँ पे, काफ़ी सही हॉस्टल है। BH2 में हूँ अभी मैं, भाई से मिलने आया था, केमिकल ब्रांच का है। हाँ तो भाई, अभी अभी मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में हूँ। ये रोज़ गार्डन है सामने, है जस्ट केमिकल डिपार्टमेंट के SS भटनागर अभी जा रहा हूँ मैं, फिर वो दिखाता हूँ कैसा है SS भटनागर। ये PU के मेन कैंपस में है। तो भैया जी, अभी अभी मैं ना SS भटनागर आ गया हूँ, जो ये PU के मेन कैंपस में है, काफ़ी मस्त है। उसी के सामने मैं खड़ा हुआ हूँ जस्ट, काफ़ी मस्त कॉलेज है ये PU के मेन कैंपस में है, तो इसीलिए इसका प्लेसमेंट काफ़ी हाई है। ये इंडिया में टॉप का कॉलेज है, काफ़ी सही कॉलेज है PU। इसके जस्ट सामने ये रहा अपना रोज़ गार्डन है, जो मतलब PU का सबसे ज़्यादा रोजेज यहीं होते हैं, तो ये केमिकल डिपार्टमेंट के जस्ट सामने है। भाई अभी अभी मैं ना केमिकल डिपार्टमेंट के जस्ट बाहर हूँ, पीछे साइड। काफ़ी सही कॉलेज है, काफ़ी सही, अगर आपको लेना हो तो IITs के टक्कर में है, काफ़ी सही प्लेसमेंट है। जितना ज़्यादा मतलब जितनी कम फीस है उससे ज़्यादा प्लेसमेंट है यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट बहुत कम है और रिटर्न बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो आप बिना आँख बंद करके अगर केमिकल ब्रांच चाहिए आपको तो ले सकते हैं आप। फीस की अगर दिक्कत हो तो केमिकल ब्रांच आप ले लेंगे और प्लेसमेंट भी 100% होगी। पे अभी चुनाव वगैरह का माहौल है, तो पार्टीज वगैरह का भी सीन है यहाँ पे, चुनाव वगैरह हो रहे हैं, काफ़ी सही माहौल है यहाँ पे चुनाव वगैरह का भी। काफ़ी कोई भी चीज़ यहाँ पे सही नहीं हो रही है, तो यहाँ मेन कैंपस में चुनाव में पार्टीज़ हैं तो उनको जीतना रहता, तो सारी चीज़ें प्रोटेस्ट होकर सारी चीज़ें सही हो जाती हैं यहाँ पर, काफ़ी सही सीन है। हाँ तो भैया जी, अब हम बात करेंगे SS भटनागर में ब्रांचेज कौन कौन से हैं। तो इसमें ब्रांच है केमिकल इंजीनियरिंग और केमिकल प्लस इंटीग्रेटेड है, 5 साल का कोर्स है। और इसके अलावा ब्रांच है यहाँ पे फूड टेक्नोलॉजी, तो 3 ही ब्रांच है यहाँ पे। और अब बात करेंगे SS भटनागर की लोकेशन की, तो ये PU के मेन कैंपस में है, तो इसकी लोकेशन प्रीमियम लोकेशन है। गेट से जाएंगे तो वहाँ से BH2 BH3 हॉस्टल पड़ेगा,
फिर उसके बाद राइट टर्न लेके एसएस भटनागर को डायरेक्ट चले जाएंगे, और एसएस भटनागर से एसी जोशी लाइब्रेरी भी काफ़ी नज़दीक है, तो काफ़ी सही इसकी लोकेशन है। हाँ तो भाई अब बात होगी खाने की, तो खाना काफ़ी सही है क्योंकि पीयू के मेन कैंपस में है, तो खाना पीयू का काफ़ी अच्छा है काफ़ी कम प्राइस पे। और अब बात होगी हॉस्टल की, तो हॉस्टल सारे बंदों को नहीं मिलता, कुछ ही बंदों को रैंक के बेसिस पे मिलेगा, तो हॉस्टल इसलिए आप लोग पीजी वगैरह देख सकते हैं, पास ही में पीजी वगैरह हैं, बट हॉस्टल वगैरह का बाकी मेरे से कॉन्टेक्ट करिएगा तो जुगाड़ हो जाएगा, मैं बता दूँगा जुगाड़ से मिल जाते हैं हॉस्टल वगैरह। और अब हम बात करें कि यहाँ लेना चाहिए एसएस भटनागर कि नहीं लेना चाहिए, अगर केमिकल इंजीनियरिंग में किसी का इंटरेस्ट है तो के एसएस भटनागर ले सकता है, बाकी काफ़ी सही प्लेसमेंट है, आईआईटीज के टक्कर का कॉलेज है, काफ़ी सही यहाँ पे इन्वायरमेंट भी मिलेगा, काफ़ी फील आएगी कॉलेज वाली, कोई रिग्रेट नहीं फील होगा ये कॉलेज लेके, प्लेसमेंट भी हो ही जाएगी और फीस तो काफ़ी कम है ही। हाँ तो भाई अगर कॉलेज रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, काउंसलिंग रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्री में आपकी हेल्प होती रहेगी, और आप मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है और मेरे को इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में, और हाँ तो इसी तरह कैंपस टूर वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, मैं फ्री में हेल्प करता रहूँगा आपकी। इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में, चलते हैं।